Hello student, I am Wasim sir. Today I teach you chapter 3rd, class 3rd, parts of plant. पौधों के बाद इसमें टू parts of plant पहले classification किया गया है. पहला है root और दूसरा है shoot. देखिए root मतलब होता है जड़ और shoot मतलब होता है upright the plant, मतलब जमीन के ऊपर जितने भी part of plant होते हैं उसको हम क्या कहते हैं shoot. उसके function के बारे में अभी वन बाई वन जानेंगे. उससे पहले हम लोग रूट टू टाइप्स का होता है, एक होता है टैप रूट, दूसरा होता है फाइबरियस रूट. तो हम लोग बुक के पेज नंबर 15 में जाएंगे और यहाँ ऑलरेडी हम लोग देख सकते हैं. देखिए टैप रूट और फाइबरियस रूट दोनों रूट को एग्जांपल दिखाया गया है. टैप रूट क्या करता है, इसका एक ही ये रूट सिस्टम होता है. और इसी तरह अगर फाइबरियस रूट की बात करेंगे तो फाइबरियस रूट क्या होता है, मोर रूट्स होता है उसके अंदर. जैसे अगर ग्रास को अगर हम जमीन से निकालते हैं देखिएगा उसमें बहुत सारा रूट सिस्टम आपको दिखाई देगा. ये दोनों क्या करेगा, टैप और फाइबरियस रूट को क्लियरिफाई कर देगा. उसके बाद से हम लोग इसके फंक्शंस के बारे में जानेंगे कि रूट्स का क्या फंक्शन है, स्टीम का क्या फंक्शन है, लिप्स का क्या फंक्शन है. तो रूट के फंक्शन को अगर हमको जानना है तो होल्ड्स प्लांट एंड एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स. ये क्या करता है, कोई भी रूट सिस्टम प्लांट के लिए क्या करता है कि प्लांट को खड़ा रखने में मदद करता है और उसके अलावा एब्जॉर्ब वाटर, पानी को एब्जॉर्ब करता है और मिनरल्स वगैरह वो प्रेजेंट रखता है. उसके बाद से हम लोग स्टेम के बारे में जानेंगे. स्टेम मतलब होता है तना, कीप्स प्लांट अपराइट कंडक्ट मटेरियल. और ये क्या करता है, प्लांट को सीधा खड़ा रखने में मदद करता है और उसके अलावा बहुत सारे मटेरियल को कंडक्ट करके और ये क्या बोलते हैं कि ये ट्रांसपोर्टेशन में ट्रांसफर करने में मदद करता है. उसके बाद से हम लोग लिप्स के बारे में जानेंगे. लिप्स क्या होता है, प्रिपेयर्ड फूड. तो लिप्स हम लोग पहले से भी पढ़ चुके हैं, फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में. आज हम लोग जानने जा रहे हैं कि लिप्स का क्या वर्क है. तो ये भोजन के प्लांट के लिए भोजन तैयार करता है और उसके साथ साथ इसके अंदर देखिए एक क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है जो कि प्लांट के पत्ते को हरे रखने में मदद करता है. तो उसके बाद से हम लोग जानेंगे फ्लावर्स के बारे में. देखिए नेक्स्ट जो है हमारा फ्लावर्स के बारे में, बियर फ्रूट्स. ये क्या करता है, जैसे ही प्लांट के अंदर फ्रूट्स फ्लावर्स बियर होता है उसके बाद से क्या ऑटोमेटिकली वहाँ से फ्रूट जनरेट होना शुरू हो जाता है. तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चले आएंगे फ्रूट्स एंड सीड्स. उसमें क्या होता है, जैसे ही पूरी तरह से फ्रूट्स तैयार हो जाता है तो उसके अंदर सीड्स जनरेट हो जाता है और उसी सीड्स के मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर नया प्लांट भी जनरेशन करा सकते हैं. उसके बाद देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे फोटोसिंथेसिस है, स्टोमेटा है. तो फोटोसिंथेसिस क्या करता है, फूड प्लांट के लिए भोजन तैयार करने में मदद करता है. फोटो मींस होता है लाइट और सिंथेसिस मींस होता है टू कंबाइन, यानी लाइट के साथ कम्बिनेशन के बाद जब वो पूरी तरह से भोजन तैयार कर दे तो उसको हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस. इसमें एक और वर्ड हम लोग जानने जा रहे हैं, स्टोमेटा. स्टोमेटा क्या है, टीनी पोर्स ऑन द लीफ सरफेस. ये क्या करता है, पत्ता आप लोग देखे हुए हैं प्लांट जो लीव्स है हमारे बुक के अंदर भी दिया हुआ है. देखिए इसके अंदर पेज नंबर हम लोग 16 में आएंगे तो इसमें दिया हुआ है. देखिए लिप्स के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे लिप ब्लेड होता है उसको लेमिना भी कह सकते हैं, वेन भीन होता है, उसके बाद से साइड भीन होता है. एस्टोमेटा इसी के अंदर प्रेजेंट रहता है जो क्या करता है, एस्टोमेटा टीनी पोर्स है और ये क्या करता है, किसी भी चीज़ को जैसे ऑब्जर्वेशन का काम करता है, किसी भी चीज़ को लेने में मदद करता है और उसको ट्रांसफ़र करने में भी मदद करता है. एस्टोमेटा का यही वर्क होता है. तो आज के वीडियो में हम लोग बस यही जाने कि पार्ट्स ऑफ प्लांट में किसका क्या फंक्शन है और बाकी इसको जो बोर्ड के ऊपर है उसको नोट डाउन करेंगे. नोट डाउन करने के बाद पूर्ण रूप से हम इसको अपने घर पे इसको प्रिपरेशन करेंगे, अपने मम्मी पापा का हेल्प लेके या अपने बड़े भाई का हेल्प लेके, और इसको तैयार करेंगे. डेट्स ऑल.